सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पिडाल, वेलकम टू एमपी बोर्ड एजुकेशन। तो यार आप लोगों ने अभी 12th पास कर ली होगी और एमपी बोर्ड एजुकेशन पे जो भी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल रोहित सर ने करवाया था उसका आप लोगों को फुल बेनिफिट मिला होगा, आई होप। ठीक है, बट अब जब आप अपने करियर के नेक्स्ट पॉइंट पर आ चुके हो, एक नेक्स्ट स्टेप लेने पर आ चुके हो, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोर्स चुनना है कि यार कौन सा कोर्स ले और कौन से कोर्स में और कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। क्यों? क्योंकि अब आने वाली जर्नी ही आपका जो है आगे का करियर तय करेगी। अगर आपने इसमें गलत कॉलेज चुन लिया या फिर गलत कोर्स चुन लिया तो हो सकता है कि आपके आने वाले 10 से 15 साल उसको करियर को सेट करने में ही निकल जाएं। और लेकिन वहीं पर आपने एक सही कॉलेज चुन लिया तो हो सकता है आपको जैसे ही ग्रेजुएट हो गए और वैसे ही आपको एक अच्छी खासी जॉब अवेलेबल होगी। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज अवॉइड करने हैं और कॉलेज सिलेक्शन लेने के पहले या फिर कोर्स सिलेक्शन लेने के पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो यार ये वीडियो की सीरीज कुछ लंबी हो सकती है, ज्यादा वीडियोस भी आ सकते हैं, तो ये पहला वीडियो नहीं है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे देख के चौंक गए होंगे कि यार मैं कौन हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखो यार, आप लोगों ने अगर कॉलेज कोर्स को लेकर कुछ भी यूट्यूब पर सर्च किया होगा तो एक एडू सहयोगी नाम का प्लेटफॉर्म मिला होगा, आपको वेबसाइट भी मिली होगी जिसमें मैं दिखता हूँ अच्छा सा बंदा, जिसमें आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इन्फोसिस में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा हूँ, मेरा बीटेक बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है और करियर और कोर्स को लेके मैं पिछले 7 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में, चाहे आप भोपाल हो, इंदौर हो, ऐसा कोई सा भी कॉलेज नहीं है जहां पर मैंने एडमिशन नहीं करवाया है बच्चों का। कम टू द अपना मेन पॉइंट वीडियो के हिसाब से, क्या हमें क्या ध्यान रखना है एडमिशन लेते समय। सबसे पहला सिंपल कि आपका बजट, क्योंकि यार अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर कोई सा भी कोर्स करने वाले हो तो आपको कम से कम फीस से लेके हाईएस्ट से हाईएस्ट फीस वाले कॉलेजेस भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, बजट पहली चीज। बजट के बाद में आपको ध्यान रखना है आपके जो जेई मार्क्स हैं या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिस कोर्स को लेने के लिए, वो मार्क्स आपके कहां पर प्रोफाइल के हिसाब से फिट बैठते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? कंफ्यूजन वाली ये बात है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है देन उसके बाद में आते हैं प्राइवेट कॉलेज का भंडार। और प्राइवेट कॉलेज का जब भंडार जैसे ही आपके सामने आता है और आप कंफ्यूज होने लग जाते हो और यहीं पर ही जो है आपकी गलत कॉलेज चुनने की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाती है। कैसे? अब जैसे आपने सर्च किया होगा कि यार मेरे एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हुई नहीं है, अब प्राइवेट कॉलेज में लेना है एडमिशन। और प्राइवेट कॉलेज के लिए जब आप जो है वेबसाइट पर विजिट करते हो और वहां से कॉल आना चालू होते हैं और जब अपना अपने कॉलेज का गुणगान का बखान किया जाता है और उसमें आप फंस जाते हो। ठीक है, कोई कॉलेज बोलेगा हमारे यहाँ 15 लाख का पैकेज गया, हमारे यहाँ 20 लाख का पैकेज गया, 30 लाख का पैकेज गया और हमारे यहाँ सब गूगल में, अमेज़न में 25 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ इंटरनेशनल पैकेज तक लगे हुए हैं। बट ये ट्रूथ नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली एक आध बच्चे का कभी लग जाए बाय लक कह सकते हो उसकी मेहनत ऑफ कैंपस से तो वो बात अलग होती है, लेकिन बड़े से बड़े कॉलेज में भी वो पैकेज नहीं लगते हैं। पैकेज जो रहते हैं वही मिनिमम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, और वो भी सबके नहीं लगने वाले इतना, ये तो श्योर हो जाओ आप। समझ में, बात समझ आई? तो अभी जो ट्रैप है प्राइवेट कॉलेज का उसमें बहुत सावधानी से पांव रखना है बॉस। ठीक है, अगर आपने एक बार वो पांव रख दिया और वो गड्ढे में चला गया तो समझ लो आपका करियर पूरा का पूरा गड्ढे में चला जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आया आपको यहां से? पहला आपको बजट आपको देखना है कि यार आपका अगर लो बजट है तो बिल्कुल आपको ये हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे लो बजट है और मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले जो कॉलेजेस होते हैं उसमें मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा तो मेरा करियर जो है लॉस में चला जाएगा या फिर कह सकते हो मेरा करियर नहीं बन पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार। अगर आपका लो बजट है तो लो बजट में भी बहुत सारे कॉलेज अवेलेबल है, वही सेम डिग्री अपने मध्य प्रदेश में आरजीबीवी से ही सभी कॉलेज वाले जो है डिग्री देते हैं, तो दोनों का जो कंटेंट होता है पढ़ाने का वो आरजीपीवी का होता है और डिग्री की वैल्यू भी सेम होती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा सिंपल सा कहूंगा, अगर आपका लो बजट है तो देन आपको ऐसे ही कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, ना कि लोन वगैरह लेके कोई बड़े वगैरह में 1-2 लाख रुपए देके कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं है प्लेसमेंट आज के टाइम पे नहीं लगने वाला। मैं इंडस्ट्री में बैठा हूं ना, मैं ऑलरेडी एज अ इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके जेई मार्क्स में अच्छे नंबर आए हैं देन प्राइवेट कॉलेज को टोटली अवॉइड करो। फर्स्ट प्रायोरिटी दो गवर्नमेंट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सीएस मिल रहा है, आईटी मिल रहा है, ईसी मिल रहा है तो ईसी तक आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे लाइक सिटी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नया कॉलेज है और आउटडेटेड सिटी में है तो अवॉइड करो उसको, क्योंकि उससे भी अच्छे थोड़े कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आ जाते हैं। ये कुछ बातें थी। उसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन पे जो आप सर्च करते हो कॉलेज में तो वो 100% ट्रूथ नहीं होते हैं। 100% बात तो दूर की बात है, वो 99% तक
ट्रूथ नहीं होते हैं। 1% कह सकते हो कि थोड़ी बहुत जो है उसमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तुमको, कौन कौन से कॉलेज है इंदौर में, है ना, इन्फॉर्मेशन ओनली। बट जो बोलते हैं टॉप कॉलेज ये है वो है, वो नहीं आप उसको जानकारी को मतलब ऑथेंटिक मान सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करें, तो देखो यार मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि मैं पेड काउंसलिंग करता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि यार बच्चे इतने सारे, अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो सबके काउंसलिंग कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हर कोई उठ के सवाल करने लग जाए भैया MIT ले लूँ क्या, या मतलब एक्रोपोलिस ले लूँ, IPS ले लूँ, HGSITS कौन सा अच्छा है, पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक बनाया है सिस्टम, बहुत शानदार सिस्टम, एकदम मिनिमल प्राइस में। जब मैंने सर्च किया कि यार कॉलेज और इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में, और इसमें मार्केट में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं बट यार वो अपनी फीस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। कैसे, सपोज करो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो, और वो आप जब उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो 10,000, 20,000, 15,000 MPDT करवाने के, आपको 2-3 हज़ार रुपये पे करवाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाला गया एडू सहयोगी प्लेटफॉर्म, देन उस पर मैं ऑलरेडी 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, उस पर गाइड कर रहा हूँ बच्चों को कि यार आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, लाइक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके JEE मार्क्स के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस सिटी के हिसाब से, आपके करियर और कोर्स के हिसाब से बेस्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, ठीक है। तो एक पूरा सेशन कवर करते हैं, जो भी उसमें रजिस्टर करता है edusahyogi.in की वेबसाइट पे जाना है आपको, वहां पे आपने आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए वहां पे आपको जो है मिनिमम चार्ज, ऑफ इसी बात है जो आप जब 10-10, 5-5 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपए जब आप देते हो MPDT काउंसलिंग करवाने के लिए, देन वहां पे आपको सिर्फ 499 में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी अपनी खुद की एनालिसिस मिलेगी कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, उसके बाद में MPDT की पूरी प्रोसेस वहीं से ही होने वाली है, पूरी edusahyogi टीम उसकी प्रोसेस करवाएगी। तो भैया जब कह सकते हो कि हम किसी MPA ऑनलाइन पे जाते हैं वो हमको 150-200 रुपए ले लेता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के, तो क्या आप 499 में हमें पूरा सब कुछ प्रोवाइड करवा दोगे? यस, यही मैं बता रहा हूं कि यार MPA ऑनलाइन पे जाने के लिए सिर्फ आप MPA ऑनलाइन पे जब एक रजिस्ट्रेशन पेज ही मतलब कह सकते हो करवाते हो तो वो 100-200 रुपए ले लेता है आपसे, ठीक है। तो यहां पे तो आपके करियर का सवाल है, 4-5 लाख रुपए वेस्ट करने वाले हो, साथ साथ में 4 साल जो टाइम इंपॉर्टेंट होता है वो वेस्ट करने वाले हो, तो मैं कह सकता हूं आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो वहां पे आप रजिस्टर करते हो 499 में, लेकिन 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 यहाँ पे अभी आपके साथ में एक और मतलब कह सकते हो बेस्ट पार्ट है, क्या सरप्राइज। सरप्राइज ये है कि मैं अपने हिसाब से रन कर रहा था, अपने हिसाब से बच्चों को गाइड कर रहा था, तो हमारे और आपके जो रोहित सर हैं, लाइक रोहित सर को बुलाऊंगा थोड़ा सा, कि जो रोहित सर है, रोहित सर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, मतलब उनको पता चला प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो 12th के बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ अटैच है, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है और जो है ऐप है, तो क्यों ना यार आप मतलब ऑब्वियसली बात है मेरा मेन मोटिव तो बच्चों तक पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, तो आप इस पर आ जाओ तो मतलब इनके बच्चों के लिए गाइड करो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो इनने मुझे एक बात बताई कि यार 499 जो है ना इतने भी अफोर्डेबल प्राइस नहीं है बच्चों के पास में कि वो पे कर पाए, और जेन्युइन सी बात है बहुत से बच्चे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप बेस लेना चाहते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि मैं अपने गाँव से ही पढ़ लूंगा क्योंकि पैसे के चक्कर में वो बाहर सिटी में भी नहीं आते हैं। देन मैंने अपने प्राइस जो सेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हो कि एक करियर का नेक्स्ट स्टेप जो पड़ाव होता है ना उसको जो क्रॉस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो है वो सेशन। तो 499 से सर के रिक्वेस्ट करने के बाद में मैंने एक प्रोमो कोड जारी किया है सर के कहने पे, ठीक है। तो जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2499 ओनली 2499 में आपको कंप्लीट कॉलेज एडमिशन सॉल्यूशन मतलब आपका करियर बनने वाला है, ओके। और थैंक यू सर, और तो कुछ कहना चाहोगे बच्चों के लिए? तो यही है यार, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो करियर है बिल्कुल बुलंदियों तक पहुंचे तो यार ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं सिर्फ कॉलेज को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि अपने हिसाब से देखो आपके लिए कौन सा कॉलेज हो सकता है, आपके लिए कौन सा कोर्स हो सकता है, और सबसे बेस्ट तो यही है यार काउंसलिंग करवाओ बढ़िया। एक घंटे आप लोग मीटिंग में रहोगे, समझोगे चीज़ों को, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, आपके लिए कर ही दिया यार हमने 499 से 2499 में, ठीक है। तो अब 249 जो प्राइस है ना, जब आप मैंने पहले बोला MPA ऑनलाइन पे जाओगे तो वही ले लेता है आपको, सिर्फ क्यों जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो वो रजिस्ट्रेशन आपको यहीं पे हमारी टीम करके देगी, ठीक है। तो कह सकते हो कि हाँ रजिस्ट्रेशन भी करके देगी, मतलब जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है ना जो आपको 249 में पहले ही करना है, मतलब MPA ऑनलाइन वाले लग जाते हैं, तो कह सकते हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन मिलने वाला है, और जो आप पे करोगे वो MPA ऑनलाइन का पे है समझ लेना, ठीक है। तो ये है था आपके लिए, और ऐसे ही थोड़ी बहुत वीडियो आती रहेंगी कॉलेज की, तो edusahyogi.in पे जाओ फटाफट, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही तो नंबर भी आपको शो हो रहा होगा सर का, तो सर आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे वो edusahyogi की लिंक शेयर कर देंगे, ओके ठीक है।